आपको तो 5 साल हो गए, लोग 2016 से माइनिंग कर रहे हैं या 16 से कर रहे हो, 15 से कर रहे हो, अगर जो बंदा इतने टाइम से माइनिंग कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि लोन लेके कर लो, तो सिर्फ फुद्दू बना रहा है आपको वो। क्यों भैया मुझे एक बात बताओ, अगर इतना ही आसान होता तो क्या दुनिया में हर कोई नहीं कर रहा होता? क्यों नहीं कर रहे? वो बेवकूफ है, तो भैया बैंक खुद लगा लेते। हाँ, बैंक गवर्नमेंट बैंक दूसरों को लोन पे पैसा देते हैं। हाँ, वो खुद ही लगा सकते थे बैंक ले, अगर इतना आसान होता माइनिंग। वो पागल है, आप समझदार ज्यादा हो। भैया मैं काम करता हूँ फैक्ट्स के साथ में। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने भैया कुछ नहीं रखा, होता नहीं है। लोग आपको अपने पैसे दे रहे हैं ना, उनको कमाई करवा के दो, घर बर्बाद मत करो कि लोन लेके कर लो, ये कर लो, इस सब भैया कुछ नहीं रखा हुआ। ये कोई मिठाई की दुकान नहीं है, आपने बनाई और बिक गई आपकी मिठाई, जो रोज बिकेगी, ये नेगेटिव भी जाएगा। 13 GPO और 32 जीरो से 13 मतलब 14 हो गए। हाँ, बोर्ड देख लो, B450 प्रोसेसर देख लो, एथलॉन किसका खेल है ये, KBC का। KBC का मतलब क्या है ये? कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब B450 जिसमें 6 स्लॉट हो, तो उसमें आपने 14 कार चला दिए यहाँ पर। वाओ कैसे पॉसिबल करा भैया, क्या बताया था, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है बायोस का खेल होता है। आपको मैंने पहले दिन से बताया, सिर्फ भैया बायोस की सेटिंग है और कुछ नहीं है। कुछ भैया पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? PCI E1 नहीं, अबव 4G मेमोरी, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग। बिल्कुल, जितनी जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। इसका मतलब जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मतलब बायोस उसका। अच्छा, ठीक है, तो मतलब इन गेमिंग मदरबोर्ड में भी दे रखा है माइनिंग के लिए। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ यार, वो थोड़ी झूठ बोल रहा है। ओके, मतलब वहाँ खुद ही लिखा है कि माइनिंग कर सकते हैं इस बोर्ड से। अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे बताओ, जो जितने भी ये सोलर लाइन के, मैं जो भी कह लो, ये आज जिसमें कार्ड चल जाते हैं, ये जाते चाइनीज क्यों आते, कंपनी क्यों नहीं बनाती ने भैया? अब आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी के बेवकूफ़ है क्यों? आपसे, आपके पास कंपनी से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, उनका करोड़ों रुपये का काम है रोज का, वो उसको नहीं मंगा सकते थे क्या? हाँ, पागल है। मैं वही कह रहा था, फिर क्यों नहीं, कारण क्या है भैया? जो चीज़ की मतलब वैल्यू फॉर मनी जो चीज़ है ही नहीं, वो क्यों बनाएंगे? आप किस मर्जी कंपनी की बात कर लो, क्या वो ये बोर्ड नहीं दे सकती थी आपको? ऐसी कौन सी कंपनी जो माइनिंग का काम नहीं करती, मुझे कंपनी बता दो आप। तो अगर आपने वो बोर्ड लगाया 35 वाला, मैंने ये लगाया, तो आप में से 1.25 महीना पीछे हो गए आउटपुट में। जब लोकल की वैल्यू बड़े ब्रांड के बराबर होने लगती है ना भैया, तो ब्रांड ही बिकता है और रीसेल भी ब्रांड की होती है। अब समझा रीसेल का पॉइंट, मतलब आप क्या करते हो रीसेल के लिए? हाँ, या रीसेल नहीं होती, धंधे में दो ही काम होते हैं, या तो बंद करोगे या उसको एक्सपेंड करोगे। अच्छा चल गया तो बढ़ा देंगे। तो देखो, कोई बंदा ये नहीं कहता अगर मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं 1,00,000 रुपए भी रहूँ। तो लोग कहते हैं कि ये 6% 5% को रिटर्न तो देर याद के टाइम तो मेरे को कहाँ दिखती है यार, हम भी तो देख लें 6% 5% रिटर्न मिल। पता क्या बोलेंगे भैया, हमारे फोन ही नहीं उठते, मेरे पास कितने लोग आते हैं। अभी जब आप आए थे, हाँ, एक आपके अंकल का फोन आया था ना, बिल्कुल, वो क्या GK2 से नहीं, क्या वो बोल रहे थे कि मेरा छोड़ो ना वीडियो, क्या भैया मैंने XYZ जगह से ली थी। हाँ, अब मुझे दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने क्या दे दिया, 10,000 रुपये महंगा दे दिया सामान, ये 20,000 रुपये भैया एक कार्ड, एक कार्ड 20,000 रुपये खाए है। चलो भैया वो देखो, उनको रेट एक्सेप्ट हुआ, वो ले गए, बात रेट की भी बात, सर्विस की थी मेन चीज। हाँ हाँ, मतलब इतना महंगा माल बेचने के बाद भी आप सर्विस नहीं दे तो क्या फ़ायदा है काम का? आप इसको पहले सीखो कैसे काम करेगा, उसके बाद इस पर पैसा लगाओ। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया भैया ये नोट छापने की मशीन है, ऐसा है नहीं भैया, नोट नहीं छापती है कोई, ये भी मेहनत करवाएगी आपसे। ये मेहनत करवाती है बताइए। हाँ, रैम का बोर्ड कितनी किट आती है वो? कैलकुलेटर फोकस कर लेते हैं, बोर्ड आता है 35,000 रुपये का, 8 वो चलता है उसमें। चलो, सप्लाई कितने की आती है भैया? पावर सप्लाई 8 के लिए बड़े कार्ड तो 2 आते हैं, तो 25,000 वाली और एक आती 35,000 वाली। कौन सी लगाऊं भैया? इसमें 35,000 वाली क्योंकि कार्ड ज़्यादा है इसमें। आपके 8 कार्ड चलेगा इस पर? 8 कार्ड चलेंगे इस पर। 70,000 रुपये। हाँ, डिवाइड बाय 8, एक कार्ड को चलाने के लिए 8,700 रुपये, 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं एक कार्ड को चलाने के लिए। जी बिल्कुल, ये वो है जिसमें से कमाई नहीं होगी। B450 10,000 कहा जाता है, 11,000 समझ लो, 18,000 का मतलब वो प्रोसेसर आ गया प्रोसेसर के साथ, प्लस आपकी 3,000 की 8 GB रैम आ गई। रैम आ गई उसमें, किट में आपकी SSD इंक्लूड होती है?
35,000 रुपये में पेन ड्राइव लगाई जाती है वहाँ पर। SSD की बात करोगे आप, SSD नहीं होती इसमें, हम पेन ड्राइव इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव 400 रुपये की, ठीक है, 32 GB लगाई है। हाँ। अब पावर सप्लाई की बात रही भैया, 2 3070 Ti मैक्सिमम चलाओगे आप? हाँ ठीक है जी। हाँ तो मैं तो भैया 3 लगा के दूंगा उसमें आपको। 3 लगा के दोगे? जी बिल्कुल। 750 वाट जी, 7 × 14 = 21, ये हाँ 2250 वाट हो जाएगी टोटल। 40,900 रुपये में आपके 6 कार्ड चलते हैं। 6 कार्ड ठीक है भैया, डिवाइड बाय 6, डिवाइड भी 6 से कर रहे हैं भैया। 6 कार्ड ही चला रहे हो ना आप इस बोर्ड पे, तो ये आपकी कॉस्टिंग बैठती है 6816 रुपये पर कार्ड की। इसमें आपका जो सामान है या तो वो रीयूजेबल है या उसकी एसेट की वैल्यू है। तो एक कार्ड 5,400 के आसपास चल रहा है जी। ओके, मतलब नॉर्मल जो मदरबोर्ड आया तो उस पर 8,700 चलता है। ये आपकी डेड कॉस्टिंग नहीं है। डेड कॉस्टिंग नहीं है, इसकी रीसेल अच्छी है। जो 8750 की थी वो डेड कॉस्टिंग थी। ओके हाँ, और इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है और सस्ता पड़ रहा है भैया। भैया फैक्ट से बात करो, आपको मैंने पहले भी क्या बोला था, पैसे को पैसा समझो, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, हर कोई भैया मेहनत से कमाता है, समझे? मेहनत से कमाओ, दूसरों की पैसे भी पैसा समझो, अनाप शनाप गलत गाइड मत करो यार। क्या मिलेगा, 2 पैसे कमा लोगे खुश, किसी को परेशानी होगी बाद में, बद्दुआ देगा भैया जब उसको मालूम चलता है ना। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, भैया ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मैंने कहा भैया जो हो गया उसकी मुझसे करो मत, जहाँ हुआ है वहीं जाके बात करो। मेरे पास तो भैया ये है, आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिजनेस के बेसिक लॉस कभी चेंज नहीं होते, कोई भी बिजनेस हो। ये तो सब बेवकूफ कौन है कि हाईवे उसको नहीं पता होगा जो हाईवे चला रहा है। अच्छा भैया डिस्प्ले आ गया, ये देखो 6K 3060, अब वो भी B450 पे। अगर आप गेमिंग और एडिटिंग PC परचेस करना चाहते हैं तो आज ही चेक करिए हमारी वेबसाइट जो कि है techpc7.in। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना PC अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको सिंगल पीस लेना हो तो वो भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। सो गाइज दोबारा आ गए हम भैया के पास, तो भैया क्या हाल है आपके? सो गाइज मैं आपको बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि आज भैया हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे बायोस के बारे में बताने वाले, मदरबोर्ड के बारे में बताने वाले, कार्ड के बारे में बताने वाले। और भैया आप कह रहे थे कि लोन पर लेके काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप डिटेल में बात करोगे ना कि क्यों नहीं करना चाहिए, और भैया अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इस मतलब अराउंड कितने के 5 साल आपको हो चुके हैं? फरवरी याद नहीं है, 17 फरवरी में चालू किया था, डेट तो याद नहीं है, 5 ही मान लो यार, पूरे 5 महीने। अच्छा भैया आप 5 साल हो गए आपको, बाकी गाइस भैया बताने वाले, अगर आपको पैसा प्रूफ चाहिए हाँ। तो नेहरू प्लेस में चले जाना, किसी मर्जी से पूछ लेना, मयंक भैया किसी से मैंने कार्ड लिए, कितने साल पहले लिए, किसी भी दुकान पे चले जाओ, जहाँ मर्जी, जहाँ आपका मन करे। ओके अच्छा गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपको रिक्त कोई बना देगा भैया आपके पैसे बचा देंगे। भैया बताएंगे कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कौन सा सामान नहीं लेना है, किस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, अब लोगों को सामान दिया नहीं, लपेटा जा रहा है, बायोस का गेम खेला जा रहा है, पीछे कुछ और बताया जा रहा है, मतलब कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वो कार्ड दिया जाता है जो कार्ड मतलब अच्छा एसेट दे ही नहीं सकता बाकी कॉइन पे, बस एक चीज़ बताई जाती है थेरियम पे, इतना है ख़त्म, उसका आगे के बाद कुछ नहीं बताया जाता। तो इस चीज़ को पूरा मतलब हम बताएंगे डिटेल में भैया जी, मार्केट में क्या हो रहा है और रियलिटी क्या है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया के साथ। बाकी गाइज मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करे, आप टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपको टॉपिक देखना हो वो आप देख सकते हैं। बाकी भैया मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर भैया स्टार्ट करते हैं कि करके टॉपिक कवर करना, बाकी तो वही हमेशा जैसी रिक चलती है। देखो कौन सा बोर्ड है ये, MSI का B450 गेमिंग प्लस मैक्स, ये वो वाला बोर्ड है। कितने स्लॉट में कार्ड दिख रहे हैं आपको? इसमें 6 स्लॉट है और 6 में लगे हुए कार्ड, 6 के 6 दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल। अगर भैया बोर्ड की स्टेबिलिटी की बात करें, मैंने कहीं सुना था कि बोर्ड स्टेबल नहीं चलते राइजर में, ये गेमिंग बोर्ड है ना। हाँ लोग कहते हैं गेमिंग बोर्ड बना नहीं होता, उसका CMOS दिक्कत करते हैं, वो बनाई नहीं है उस चीज के लिए। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो आप। हाँ स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कितने घंटे कितने दिन बोर्ड चलना चाहिए आपका? भैया स्टेबल का मतलब होता है कि बंद ना हो, चलता रहे वो 3-4 घंटे, 1 दिन 15 दिन, मतलब 10-12 घंटे। 12 घंटे में स्टेबिलिटी मालूम चल जाती, नहीं चलती है? हाँ 2-3 घंटे पता चल जाता है। चलो अगर 2-3 घंटे, हाँ 2 दिन तो मानोगे, हाँ 2 दिन में बोर्ड स्टेबल हो गया। अगर कोई रिक 2-3 घंटे चल गया तो स्टेबल ही है वो। थोड़ा कैमरा नीचे करो अपना, थोड़ा जूम करना है इस पर। ओके रुको,
3 दिन 3 घंटे रिग चल रही है भैया। तार दिखा दो कौन से, सामने कार्ड दिखा दो, कार्ड कौन से चल रहे हैं। बिल्कुल 30-60 कितने कार्ड है, 6 कार्ड है पूरे। ये तार चेक करो, तार कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा इसकी डिस्प्ले की तार ये जा रही है, ये रही। अच्छा ये रही, दोबारा दिखा दो अपने व्यूवर्स को, थोड़ा सा साइड हो जाइए, मेरे लिए कवर करना आसान होगा। बिल्कुल ना, हाँ ये वाली पीछे वाली तार करो, पीछे से दिखा दो लोगों को। यहाँ से ये तार यहाँ जा रही है इस कार्ड में, और यहाँ देखो बोर्ड वही लगा है, B450 गेमिंग प्लस मैक्स। छोड़ो उसको, ये पहले कार्ड देखो कौन से हैं। ये Inno 3D के, आई थिंक 3060 होगा। तार देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, इसमें ये तार उसमें जा रही है। बोर्ड देखो कौन सा है, पहले आप मॉनिटर दिखाओ। आ जाओ भैया फिर मैं मॉनिटर कवर करता हूँ, दिखाना। इसमें भी 6 कार्ड लगे हुए 3060 Ti, 6 के 6। टाइम इसमें कितने दिन से रिग चल रही है, 3 दिन 3 घंटे, मतलब 3 दिन से कंटिन्यू चल रही है ये रिग। तो ये आपके सामने चल रही है, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ। और ये रे मैं लोगों को दिखा देता हूँ, 6 कार्ड पूरे चल रहे हैं, वो भी B450 गेमिंग प्लस मैक्स। मॉडल वहाँ दिखाओ ना, कैमरे में दिखाओ, झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग झूठ बोलेगा। हाँ लोग तो पहचान जाएंगे, देखो वहाँ B450 MSI वाला, और 6 स्लॉट पूरे यूज़ कर रखे हैं। हाँ भैया जैसे लोग मार्केट में कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, अच्छा हाँ वो भी चल रहा है। ये कितनी देर से चल रहा है देखा जाए तो अराउंड 10 घंटे। अच्छा भैया जैसे लोग मार्केट में कहते हैं कि ये भी चल रहा है, पीछे ये चल रहा है 23 घंटे 32 मिनट। सेम बोर्ड है, सेम बोर्ड है, लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी मैं अपनी बात को भैया, भैया मार्केट में लोग कह रहे हैं कि ये बोर्ड बने ही नहीं है गेमिंग के लिए, वो माइनिंग के लिए नहीं बने, माइनिंग के लिए अलग बोर्ड आते हैं। कहते हैं कि शायद सेल रीसेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हाँ आओ ये मशीन है, छोड़ो ये आपको रियली दिखेगा ना ये वाला, आप वहाँ पे फोकस करो। लो भैया कर लिया भैया, अगर बायोस रीसेट होगा सारे कार्ड बंद हो चुके हैं यहाँ पर, डिस्प्ले बंद हो गई, डिस्प्ले बंद। प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्यों क्यों नहीं मिलेगा, मतलब स्टेबल चलेगी, बढ़िया चलेगी, मतलब 6 कार्ड चलते हैं इस पर। अभी आपको दिखाया दोबारा से, दोबारा आपको चलते हुए दिखाता हूँ। दोबारा ऑन कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सप्लाई ऑन करी, हाँ ये प्राइमरी सप्लाई, ये प्राइमरी सप्लाई। अच्छा पावर सप्लाई भी लोगों को मैं बता दूँ, नॉर्मल यूज़ करी गई है डीप कूल की 750D, हाँ नॉन मॉडुलर। हाँ पैसे भी बच रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है। वो देखो भैया वहाँ देखो, मेरे को मत दिखाओ, वहाँ दिखाओ, मेरी शक्ल में क्या है, कहाँ देख रहे हैं, मेरी शक्ल थोड़ी खींचने आएंगे। बिल्कुल भैया देखते हैं, ये लाइन हाईवे की होती है, ये सबको इतनी अकल तो सब मेरे के अंदर। हाँ ये तो सब बेवकूफ कौन है कि हाईवे उसको नहीं पता होगा जो हाईवे चला रहा है। अच्छा भैया डिस्प्ले आ गया, ये देखो 6 कार्ड 3060, अब वो भी B450 पे। B450 कितनी कीमत होगी आज के टाइम पे भैया? 10,000 से 11,000 रुपये। 10,000 से 11,000 रुपये, ये वो है रिटेल प्राइस, अमेजोन से इन जगह पर ले सकता है वो भैया। अमेजोन में कभी आपको ख़राब मिल गया, क्या मिल गया, देखो वहाँ पे बहुत कुछ होता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। दुकान से ले लो, अपने सामने ले लो, क्या करोगे अमेजोन से लेके, 10-11 के बीच मिल जाएगा ये। बिल्कुल भैया अमेजोन और रिटेल प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अच्छा मैं ये तो चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि राइजर लेस ले लो स्टेबल रहेगा। भाऊ जी आपको 3 दिन वाली मशीन दिखा दी, 4 दिन वाली दिखा दी, 20 घंटे वाली दिखा दी, 23 घंटे वाली दिखा दी, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं राइजर कॉस्ट बचेगी। वो बोर्ड कितने का देते हैं? 35,000 बस। आप निकाल लेना, अभी आपको मैं कराऊंगा कैलकुलेशन सारी की सारी। भैया मैं काम करता हूँ फैक्ट्स के साथ में। हाँ बड़ी बड़ी बातें करने भैया कुछ नहीं रखा, होता नहीं है। लोग आपको अपने पैसे दे रहे हैं ना, उनको कमाई करवा के दो, घर बर्बाद मत करो कि लोन लेके कर लो ये कर लो, इस सब भैया कुछ नहीं रखा होगा। ये कोई मिठाई की दुकान नहीं है, आपने बनाई और बिक गई आपकी मिठाई, जो रोज़ बिकेगी, ये नेगेटिव भी जाएगा। अच्छा लोन ले काम क्यों नहीं करना चाहिए मैं अभी थोड़ी देर बताऊँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल भैया दिखाओ, हैश वो दिखाओ पूरी। हाँ लोग कहेंगे ना कि हैश रेट पूरे नहीं आते, ये लो हैश रेट दिख रहे हैं ना, 35 35 35 है सारे भैया।
जैसी वो हिट होगा स्टेबल हो जाएगा, वो फ्लक्चुएट करता ही करता है। इसमें अनलॉकिंग का आप देखो ना, वहाँ पे लिखा भी आएगा कि अनलॉक हो रहा है उस टाइम पे, येलो कलर में लिखा आता है सारा का सारा। ओके ओके। अब रही बात भैया बायोस के खेल की, हाँ, जब तक आप सेल में उंगली नहीं करोगे, सेल में उंगली, इसमें एक सेल होता है बैटरी जिसको बोलते हैं, ये देखो ये लग रहा है, जब तक इसे पंगे नहीं लोगे तब तक बायोस, ये आदि भाई थोड़ी है कि मैंने बोला खड़े हो जाए तो खड़े हो जाएगा, अपने हिसाब से काम करेगा यार। बिल्कुल। तो ये भैया विद एक्सपीरियंस समझ में आती है चीज़ें, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपको तो 5 साल हो गए, लोग 2016 से माइनिंग कर रहे हैं। भैया 16 से कर रहे हो, 15 से कर रहे हो, अगर जो बंदा इतने टाइम से माइनिंग कर रहा है, हाँ, और वो ये बोल रहा है कि लोन लेके कर लो, तो हाँ, सिर्फ फुद्दू बना रहा है आपको वो। क्यों बताऊंगा भी आपको मैं, भैया लोन लेते हो ना तो EMI पे करनी पड़ती है, बैंक वाला ये नहीं बोलेगा ये आपका बिजली का बिल निकला कि नहीं निकला। बट EMI तो इंटरेस्ट तो 2% होता है महीने के हिसाब देखा जाए, साल का तो 14 निकलेगा। जब आप लोन पे पैसे लेते हो ना बैंक से, हाँ, आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करना पड़ता है, आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें। ये नहीं कि आप पहले इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल एक बार में रिटर्न करोगे, ऐसा नहीं होता। EMI होती है उसमें, EMI होती है जी। तो लोग कहते हैं कि ये 6% 5% को रिटर्न तो दे रियाज के टाइम पर, तो मेरे को कहाँ देती है यार, हम भी तो देख लें। 6% 5% रिटर्न मिलता ही नहीं है भैया, हमेशा एवरेज आउट होता है, कभी महीने का रिटर्न होता ही नहीं है इसमें। अच्छा, यार मुझे एक बात बताओ, मेरे को चलो 17 से, वो जो मेरे से पहले से भी कर रहा होगा, हाँ, उसने तो भैया 100% रिटर्न भी देखा होगा, बिल्कुल मैंने भी देखा है। हाँ, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन 100 वाले महीने मैंने काम चालू किया होता, हाँ, मेरी एवरेज 100 की सेट हो गई होती, मैं तो बर्बाद हो गया होता। बिल्कुल। अब जिसने मान लो पिछले फरवरी में काम चालू किया, फरवरी 21 में, हाँ, तब शायद महीने का 15-20% था, तो आज वो बर्बाद ही होगा। हाँ, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मिलता था, थोड़ा कम हो गया है। शुरुआत नहीं भैया, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की 2021 जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, तब काफ़ी अच्छा रिटर्न था क्योंकि तब एथेरियम पंपिंग चालू हुई थी। तो हाँ बताओ, मैं वही घुमा फिरा वही उसी बात पा जाते, आप क्यों मना कर देते हो कि भाई लोन का पैसा लगाई मत। मैं कई बार देखा आप मना कर देते हो जब बिजली का बिल नहीं निकलेगा, लेकिन इस टाइम तो निकल जाता है ना, इस टाइम ना, कल को कल क्या करोगे। अच्छा मुझे चलो वही मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है होता है भैया। 2018 जनवरी में एथेरियम वॉज $1,400 रुपए में, कितने होंगे अराउंड ये 1,02,000-1,04,000 के आसपास कितना ही था 2017 ठीक है 18 देन इट ड्रॉप डाउन टू $80 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम $86 सात के आसपास $6,665 रुपए का रेट था, हाँ, जो भी था वो। एंड आप तब सोचो जब जिसने 1400 पे कार्ड खरीदे होंगे, हाँ, उसने एस्टीमेट लगाया मैं इतने महीने कमाऊंगा, हाँ, लेकिन जब एथेरियम टूटता गया तो क्या उसका बिजली का बिल निकला होगा? नहीं, जो आउटपुट 1400 पे थी, हाँ, 1400 मतलब 1,00,000 पर, 1,00,000 पे वो आउटपुट भैया 10,000-20,000 पे कैसे आ जाएगी? 7,000 ही हो गया था, आप कह रहे थे यार, मैं कहता हूँ 20,000 हुआ, 7 तो लो मारा, काफी टाइम तक 10-20 तो रहा होगा ना, ये तो है नहीं कि लोई पे लोई चलता रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ग्राफ उठा के देखो, हमेशा फ्लक्चुएशन होती है ग्राफ के अंदर, एक ड्यूरेशन आती है कि वो फॉर एग्जाम्पल 10,000-20,000 का रेट था, वो कुछ टाइम रहा होगा, उस टाइम पे आपका बिजली का बिल कैसे निकला मेरी समझ से बाहर है। या तो चोरी की बिजली चलाते थे, आपने बिजली का बिल ही नहीं पे करना था, दूसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता भैया। हम तो भैया स्टैट्स लेके बैठते हैं, हम ये निकालते थे महीने का कितना आया, कितने बिजली का बिल गया। आपने फीस देखा है? बिल्कुल देखा। कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब बिजली बिल कितना आ रहा था? बिल पे करते थे, कितना बना रहे थे उस टाइम मशीन? भैया देखो उस टाइम कितना बना थी तो ध्यान नहीं यार, जो भी नेट निकलता था ना, हाँ, वो नेगेटिव ही होता था, मतलब उल्टा जेब से भरने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलता था फिर भी कम पड़ जाता था बिजली बिल के लिए। तो कोई बंदा लोन के लिए कैसे रिकमेंड कर देगा? क्या लगता है भैया? देखो या तो झूठ बोलते हैं, हाँ, या चोरी की बिजली पे काम करते थे, हाँ। अब मैं तो जानता नहीं ऐसे बंदों को, हाँ, जो ऐसा बोल दे। मेरे जितने लोन हैं भैया, कोई ये नहीं बोलता कि लोन लेके काम कर लो। अच्छा जी, मतलब आपने उतना पैसा डालो जिसको आप साइड रख सकते हो, जो आपके रेगुलर यूज में नहीं है।
लोन लगा लेकर तो फायदा नहीं है। लोन आपने लिया, आपको रीपे करना है ना मंथली, बिल्कुल आपने बैंक से लिया, हाँ मंथली रीपे करोगे ना, जब आपका आउटपुट ही कम आ रहा है आपके खर्चे से, तो आप कैसे वापस करोगे? और अगर आप, चलो मैं कहता हूँ नहीं भी आ रहा, अगर आपको भैया महीने का 1-1.5-2% बच भी रहा है, हाँ तो 2 साल अपनी ऐसी तैसी करवाओगे, हाँ हार्डवेयर की जो कीमत रहेगी आपने सिर्फ वही कमाया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या कमाया जब आप एथेरियम को होल्ड ही नहीं कर रहे हो? आप एथेरियम के, आप जो भी क्रिप्टो बना रहे हो उसको होल्ड नहीं कर रहे हो तो क्या कमाओगे? कुछ भी नहीं। अगर आप बिजली का बिल तो भैया पे करते ही हो ना, बिल्कुल, क्या कमाओगे? कुछ भी नहीं कमा पाओगे, तो भैया लाले की दुकान थोड़ी है, आए और बिक गया, प्रॉफिट मार्जिन देखे, ट्रेडिंग थोड़ी है ये। अच्छा बाकी भैया ये तो हो गया, आपने लोन के बारे में एक बात कर दी। काफ़ी सारे टॉपिक है जो मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें से एक टॉपिक ये है, आप रीसेल पे इतना ध्यान क्यों देते हो? भैया कोई भी धंधा जब चालू करते हैं ना, एक चीज़ मैं आपको और करना चाहूँ, इसमें तो मेजोरिटी सबसे ज़्यादा पैसा कार्ड में है, तो कार्ड अगर बिछ जाए तो फिर वो कार्ड में है ना, हाँ बाकी सामान में क्यों डाल रहे हो, अपनी मनी को डेड क्यों कर रहे हो? फिर भी 10% है वो तो, इतना मेरी बात को ध्यान से समझना। एक आदमी ने मुझसे कहा कि 10% पर नया ध्यान देगा, 90% पर ध्यान दो, कभी 10% के चक्कर में 90% ना चला जाए। दो ना 90 पे भी ध्यान, कौन मना कर रहा है, लेकिन 10 को तो बचा सकते हो। हाँ बच, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजली का बिल भी नहीं निकलता था, हाँ उस टाइम पे जिसने लोन ले लिया होगा, हाँ उसने अपने हार्डवेयर का क्या किया होगा? बेचा होगा। अगर उसका हार्डवेयर आज वो लग गया होता जो आज लोग बेच रहे हैं बेवकूफ बना के, उसका क्या हाल होता भैया? उसका जीरो हो गया होता उस टाइम पे, सामान लिया होता जिसकी रीसेल ना हो। आप समझो, आप बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपको फायदा नहीं हो रहा है। हाँ आपको फायदा नहीं हो रहा मतलब किसी को फायदा नहीं हो रहा है, हाँ तो आपसे कोई क्यों खरीदेगा उस सामान को? सभी बेच रहे हैं, सभी बेच रहे हैं, कौन खरीदेगा उसको आपसे? कोई भी नहीं खरीदेगा। आप मेरा पॉइंट समझे, जिस सामान में से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, हाँ तो इसका मतलब दूसरे को भी नहीं होगा, दूसरे को भी नहीं होगा, कोई खरीदेगा, क्यों खरीदेगा आपसे कोई? अब समझा रीसेल का पॉइंट, मतलब आप क्या करते हो रीसेल के लिए? हाँ ये रीसेल नहीं होती, धंधे में दो ही काम होते हैं, या तो बंद करोगे या उसको एक्सपेंड करोगे। अच्छा चल गया तो बढ़ा देंगे। तो देखो कोई बंदा ये नहीं कहता अगर मैं महीने का 1,00,000 रुपये कमा लूँ मैं 1,00,000 रुपये भी रहूँ, हर कोई से कहते हैं मैं 1,25,00,000 जाऊँ, 1.5 लाख जाऊँ, 2 लाख जाऊँ। कोई आपने एक बंदा ऐसा सुना जो कहता है भैया मेरे को तो महीने का हमेशा 1,00,000 रुपये आता रहे, मैं उस पर मतलब कोई बंदा रुकता नहीं है, कोई रुकता नहीं धंधे में भैया, कोई नहीं रुकता, हर कोई चाहता है मेरा धंधा बड़ा हो, प्रॉफिट होगा तो बढ़ाएगा, नुकसान होगा तो बंद कर देगा, बंद करेगा। और बंद करते टाइम देखो, बंद करेगा तो बेचना पड़ेगा, हाँ बढ़ाएगा तो अपग्रेड करना पड़ेगा, हाँ अपग्रेड में भी बेचना तो पड़ेगा ही, पुराना बेचना पड़ेगा, थोड़ी दोगे उसको कबाड़ी को, थोड़ी बुला के दे दोगे कबाड़ी को, क्या सामान दिया जाएगा जो बिकेगा नहीं? समझा मेरा पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा होता है। आप एक बार बताओ एक चीज और, हाँ हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री में, हाँ दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक लोकल एक ब्रांडेड। लोकल हमेशा लोकल रहेगा, ब्रांडेड हमेशा ब्रांडेड रहेगा। ये भैया आप किसी मर्जी से बात कर लो, सबकी थ्योरी सेम होती है, लोकल इज लोकल, ब्रांडेड मींस ब्रांडेड। मतलब आप कोई भी आइटम लेते हो, फॉर एग्जांपल एक टेलीविजन है, हाँ आप दो जगह गए लेने के लिए, एक बबंदा दिखा रहा है लोकल आपको 20,000 रुपये का, आप गए एक्स वाई जी के शोरूम पे, बड़े ब्रांड के शोरूम पे, वो कहते हैं भैया 25,000 रुपये का, आप किसका लोगे? मैं तो 25,000 वाला खरीदूंगा। क्यों खरीदोगे? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी भागेगी नहीं, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जब लोकल की वैल्यू बड़े ब्रांड के बराबर होने लगती है ना भैया, हाँ तो ब्रांड ही बिकता है। ऑफ कोर्स। और रीसेल भी ब्रांड की होती है। आपको कल चलो ब्रांड को मारो गोली, आपने बोर्ड का साइज देखा इतना बड़ा? बिल्कुल भैया, जो नॉर्मल कैबिनेट होती है, हाँ उसमें कहाँ लगाओगे इस बोर्ड को? बट लोग कहते हैं वो बना है यार माइनिंग के लिए। तो भैया ये क्या कंपनियां बेवकूफ हैं? बट फिर भी भैया कुछ बिच रहा है मार्केट में यार, लोग बिकने को तो देखो भैया मिट्टी बिकती है, मिट्टी घड़े सब बिकता है, बिकने को तो हर चीज की वैल्यू है ना, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी चीज ढूंढनी है। आपको तो भैया देखो अपने पैसे को कैसे सेव करना है ये समझ में आना चाहिए ना। अब आपने बोला कि भैया स्टेबिलिटी दिखाओ, मैंने आपको वो दिखाया स्टेबिलिटी। हाँ आपने बोला भैया बायोस रीसेट हो जाता है, ऑफ ऑन करने पे बायोस रीसेट होता है ना आपके हिसाब से, मैंने आपको वो दिखा दिया। और बताओ क्या दिखाऊँ मैं इससे ज़्यादा आपको? मैं तो वही है, बड़े बोर्ड में क्या दिक्कत है, 8 स्लॉट का जो आता है
भैया 8 का हो, 12 का हो, 20 का हो, कार्ड से मतलब है, वैल्यू से मतलब है, जो आपको कम पैसे में बराबर परफॉर्मेंस देगा, अब वही चीज लगाओगे ना कम पैसे में, वो भी तो मुझे कम पैसा लगता है, राइजर कॉस्ट बचती है। बोर्ड कितने का पड़ता है भैया? बोर्ड है 35,000 का, 8 स्लॉट है, 35,000 रुपए का। हाँ, ये बोर्ड कितने का है? ये 10 11 खाली, वो बोर्ड प्रोसेसर रैम मिला के 35,000। हाँ, पूरा कॉम्बो है, कॉम्बो पावर सप्लाई छोड़कर। ठीक है, अब भैया ये तो मानते हो इस बोर्ड की, इस कॉम्बो की, राइजर को हटा दो आप, हाँ, आपके बर्बाद हो गए मोटा मोटा 5,000 रुपया राइजर और स्प्लिटर के मिला के। हाँ, आपको भैया ये कॉम्बो पड़ता है 15 प्लस प्रोसेसर 7 22। एक सेकेंड, 10,500 का मान लेते हैं बोर्ड, 8,000 का प्रोसेसर 18,500 रुपया, 3,000 की गेमिंग रैम 8 GB, 21,500 रुपया, 1,800 की SSD, मोटा मोटा 22,300 रुपया, और ये 5,000 रुपया 27,500 का मान लो यार, 27,500 का पड़ा ही है। ठीक है, अब ये 5,000 मान लो जीरो हो गया आपका, ओके, राइजर वाला आपका जीरो हो गया, जीरो हो गया, आपके बचते हैं भैया 22,000 रुपया। चलो अब आप मुझे बताओ जो आपका बाकी सामान है कितने का बिक जाएगा? मैं तो शायद गलत बता दूंगा आपको, आप मुझे बताओ इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा अगर कंपैरिजन करा जाए उससे। देखो रैम, गेमिंग रैम 10 साल वारंटी वाली है। अब ये छोड़ दो, आप सिर्फ मुझे वैल्यू बताओ। 27,000 की चीज़, 27 नहीं, 5,000 तो जीरो हो गया ना आपका ये वाला। हाँ, राइजर केबल ये जीरो मान लो आप, ये तो बचेगी नहीं, जीरो हो गई है। ठीक है, तो इसमें मतलब 22,000 की चीज़, आप मार्केट खराब होती है तो ये जीरो हुई, अदरवाइज तो वैल्यू है ना इसकी भी। हाँ, राइजर केबल तो बचेगी नहीं, तो मतलब 22,000 की चीज़ मुझे लगता है कि 10 से 15 के बीच में वर्थ से वर्थ केस। भैया रैम नहीं टूटती 100-200 रुपये से ज़्यादा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 100-200 रुपये का गेम है, 25-30 रुपये के मार्जिन पर रैम बिकती है। हाँ, ठीक है, SSD 100-200 रुपये मान लो, 3,000 और सॉरी 2500-1500 4,000 की आपकी ये चीज़ हो गई। हाँ, ठीक है भैया, अब रह गया बोर्ड और प्रोसेसर। हाँ, बोर्ड आप मान के चलो 6-7,000 रुपये का, आधे रेट 450 है। हाँ, ठीक है, वारंटी वाला बोर्ड है कंपनी से, तीन साल की वारंटी, ब्रांड से, ब्रांडेड बोर्ड है, 6,000 और 4,000, 10,000 तो ये हो गया। अब प्रोसेसर भी आप बाजार में सबको पता ही है क्या हाल रहता है प्रोसेसर का, बिल्कुल, तो मोटा मोटा 15,000 मान लो आप। मैं वही कह रहा था 12 से 15 के बीच में, 27,000 के 15 रह गए आपके, 27 आपने लगाए, 15 रह गए वर्स्ट केस में आपके। अब आप लगाते हो अगर वो 35,000 वाले, 35 का हो, जितने मर्जी का हो, बड़ी वो बोर्ड रीयूजेबल नहीं है, ठीक है, वो हो गया आपका जीरो, उसमें वो बिचता क्यों नहीं है भैया? कहाँ यूज करोगे, यूज तो बता दो, कहीं भी यूज नहीं हो सकता वो, आप मुझे बता दो ना, मुझे तो शायद नॉलेज ना हो, आपको ज्यादा हो कहीं यार। हाँ यार, प्रोसेसर कब का लगता है उसके अंदर, कितना साल भैया? जो आपने एक बार मुझे दिखाया था वो डुअल कोर था उसमें, तो उसमें वो शायद 10 या 12 साल पुराना प्रोसेसर था, G1930 ऐसे कुछ था ना। हाँ, G1630 वो 10 साल पुराना है वो। अब जितने भी साल पुराना हो आप मुझे बताओ ना वो बोर्ड कहाँ यूज होगा। अरे भैया उसकी बोर्ड की कैबिनेट आती है? कोई भी नहीं आती, फिर तो बोर्ड का क्या होगा। चलो छोड़ो उस बात को, बट सस्ता नहीं पड़ता क्या उसमें वो ग्राफिक कार्ड चलाना? यार मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। हाँ, ये आपका 15,000 रुपया डेड हुआ, वहाँ आपका 30,000 रुपया डेड हुआ, 35,000 रुपया डेड हो गया, डेड हो गया, इसमें आपका 12,000 रुपया गया, उसमें आपका गया 35,000 रुपया पूरा। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अगर आपने भैया आज की डेट में मशीन बनाई 4.25 लाख रुपए की, हाँ ठीक है, जो कि आप कह रहे हो कि भैया 5-6% जो भी आप सुन के आए हो जहाँ से भी, चलो आपकी बात रखता हूँ, 5% मान लिया रेवेन्यू, भैया 5% होता है मोटा मोटा 4.25 लाख का 22,000 रुपया, ठीक है, आपको पहले महीने आया 22,000 रुपया, आपको दूसरे महीने आया 22,000 रुपया, बिजली का बिल भी दोगे, हाँ ठीक है जी। अब आप मानो कि आपका 7-8,000 का बिजली का बिल आ गया 2 महीने का, इतना आएगा जाएगा भैया अगर जेन्युइन बिजली पे काम करते हो, बिल्कुल, तो आपने जो 2 महीने में पैसे कमाए 35,000 रुपया, मतलब आपने बोर्ड के पैसे कमाए लगा दिए 2 महीने, ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल भैया। अब जो ये वाला बोर्ड है आपको लॉस हुआ 12,000 रुपये का, जो कि आपका कितने दिन में कवर हो गया आप मुझे बता दो। अगर आपने वो बोर्ड लगाया 35 वाला, मैंने ये लगाया, तो आप में से 1.25 महीना पीछे हो गए आउटपुट में, ओके। अब बताओ मुझे क्या कैलकुलेशन समझ में नहीं आई आपको? नहीं भैया आ गया, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, कि उसको उसको लेने के बाद रीसेल वैल्यू तो खत्म है कल को ये मार्केट, इस मार्केट में आप ऑलरेडी, अगर आप मुझसे कंपैरिजन करोगे कि आप मेरे दोस्त हो, आपने एक मशीन ली, मैंने एक मशीन ली, तो आपका जो आउटपुट था
जब आप एट द एंड ऑफ बिजनेस अपनी एसेट को कैलकुलेट करोगे ना तो आप में से ऑलरेडी एक सौ महीना पीछे चल रहे हो। ओके, एसेट को रिकवर में देखा जाए। बिजनेस में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस या एट द एंड ऑफ द डे आपकी एसेट की वैल्यू क्या है, वो आपकी कमाई होती है। कोई भी धंधा हो, आपकी फैक्ट्री ले लो, अब जो मर्जी धंधा, भैया बिजनेस के बेसिक लॉस कभी चेंज नहीं होते। कोई भी बिजनेस हो, आपकी एसेट की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी फैक्ट्री थी, बेसिकली भी फैक्ट्री है, छोटी मोटी, जब बंद करता हूँ हाँ, तो मेरी कमाई जो होगी वो इसकी वैल्यू तो होगी। बिल्कुल, वो तो कैलकुलेशन है। अगर मैं उसमें पार्ट को पार्ट जो लगाता हूँ उसको जीरो ही मानता जाऊँगा तो मैंने क्या कमाया फिर। बाकी भैया थोड़े से इधर और आ जाते हैं। भैया एक चीज़ आप पूछनी थी, वो बायोस को होता है प्री बायोस, इधर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सुना है उसके बारे में कुछ बता दीजिए क्लियरिटी। चलो भैया, मैं शायद मैं झूठ बोल दूँ हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कुछ तो, मैंने सुना था कि भैया बंडल में लेते हैं, बेचना होता है। आप मुझे एक बात बताओ, चलो थोड़ा अपना कैमरा घुमाओ हाँ, तो भैया ठीक है अपना कैमरा पीछे करो। अब ये बताओ कौन से ब्रांड के कार्ड है ये, गैलेक्सी के है। गैलेक्स का कौन सा B450 का मदरबोर्ड होता है 6 स्लॉट, वो तो एसरॉक का आता है ना, एसरॉक MSI। यार मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बता दो, गैलेक्स का नहीं आता, किसी का भी आता हो हाँ। तो भैया कौन सा बंडल होता है इसमें, कौन सा बोर्ड बिना बात का दिया जाता है। भैया अच्छी नॉलेज शेयर करो जो लोगों को समझ में आती है। मतलब बंडल नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है भैया। मतलब अगर खाली, मैं तो भैया खुद ही नहीं लेता हूँ कि भैया मेरे को ये वाला बोर्ड चाहिए। अभी आपको उसका रीज़न दिखाऊंगा और आप सुन के ना हैरान हो जाओगे, वो शायद में कभी देखा भी नहीं होगा। मतलब अभी दिखाऊंगा, वेट करो यार, इतनी जल्दी क्या है। अब आपने पूरी रात मेरी काली करी दी आज की इतनी जल्दी किस बात की है। अच्छा भैया कार्ड के ऊपर बात की जाए तो यार मैंने कमेंट पढ़े थे, लोग कह रहे थे कि दिक्कत क्या, आप AMD कार्ड को मतलब पसंद ही नहीं करते, लगाए भी बहुत ही कम है, 580 लगाए उसके बाद कोई कार्ड ही नहीं लगाया आपने, कारण क्या है। आपने पिछली वीडियो में बताया था, आई नो। मुझे एक बात बताओ हाँ, जो भैया माइनिंग करता है ना हाँ, पहली बात तो बिजली के बिल को सोचता नहीं है हाँ, उसका सीधा सा रीजन है, अगर इस महीने मेरा बिजली का बिल 5000 रुपये है, अगले महीने भी 5000 ही होगा, उससे नेक्स्ट भी 5000 ही होगा, पिछला बिल भी मेरा 5000 रुपये था अगर उतना ही कार्ड चला रहा हूँ तो। लेकिन जो क्रिप्टो की वैल्यू थी क्या वो सेम रहेगी, कभी नहीं सेम नहीं रहेगी, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। आप क्रिप्टो में बिलीव कर रहे हो तो आप माइनिंग कर रहे हो, तो आप क्रिप्टो के ऊपर देखो ना, आपने बिजली बिल का क्या करना है। इसलिए बोलता हूँ भैया लोन लेके काम मत करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने भैया 10 लाख रुपए डालना है, भैया 9.5 लाख डालो, 50,000 रुपये अलग से रख लो बिजली के बिल के लिए, वो आपके 50 है तो 50,000 ही रहने हैं, 50 के 1 लाख तो होंगे नहीं। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो माइन करी, होल्ड करी, फॉर एग्जाम्पल आज इथेरियम का भाव $3,000 है, क्या पता वो 1-2 साल में 9,000-10,000 हो जाए, जो कि रियलिस्टिक वैल्यू है। हो सकता है वो 500 भी रह जाए, ये तो आपकी कॉल है, 500 भी रह सकता है, 10,000 भी जा सकता है। बाकी भैया 6600 XT 20 सीरीज सुपर भैया लगता है कार्ड, 6600 इथेरियम पे 29 का हैश रेट है, 29 point something का शायद, ठीक है। सबके मन में डर है भैया, अब किसी का फ़ोन आता है ना, कहते हैं भैया फ्यूचर प्रूफ कार्ड चाहिए हमें, मैं 8 GB है ना, तो भैया GB को छोड़ो भैया, कहता हूँ भैया पहले अपनी पसंद बता दो। वो कहते हैं भैया हमने यहाँ सुना है 6600 ले लो, 6600 XT ले लो, कहता हूँ मेरे भाई एक काम करो, या तो आप मेरे पास आके देखो कितना फ़र्क होता है हैश रेट में, या आप घर बैठे हो hashrate.no खोलो, उस पर अपनी 2 विंडो खोलो, hashrate.no हाँ, 2 विंडो खोलो, एक पे चलाओ अपनी पसंद का कार्ड, एक हाँ। पे चलाओ 3060, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। एथेरियम समझ लो बंद हो गया, अगर आप मेरे से फ्यूचर की बात कर रहे हो और आपके मन में डर है कि एथेरियम बंद हो जाएगा, तो भैया कार्ड को फेंक थोड़ी दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात आ गई ना, रीसेल वैल्यू या तो बंद करोगे या माइनिंग करते रहोगे, बंद करोगे तो रीसेल वैल्यू देखोगे, माइनिंग करते रहोगे तो अपना काम करते रहोगे आप, तब भी तो कार्ड देखोगे कि किस कार्ड पे क्या हैशरेट निकल के आ रही है। जब सबके मन में डर आ चुका कि भैया एथेरियम 2.0 आएगा, ये होगा, वो होगा, बंद हो जाएगा, ये देखो वो तो होना तो विटालिक को मालूम है वो कब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बाकी भैया 2060 सुपर, भैया 2060 सुपर एथेरियम पे 44 का हैश रेट है, 30 TI का जितना 44 का हैश रेट हो गया,
एथेरियम, अब आप मेरे से पूछते हो भैया व्हाट इज द नेक्स्ट कॉइन आफ्टर एथेरियम, व्हिच इज द नेक्स्ट कॉइन आफ्टर एथेरियम, अब आपकी जगह कोई और आता है क्या बोलता है भैया एथेरियम के बाद क्या करेंगे हम, व्हिच कॉइन विल यू प्रेफर आफ्टर एथेरियम, मैं कहता हूँ भैया अर्गो या रेवन। रेवन में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, भैया देखो कार्ड उसमें ना एक्चुअली वो जो एल्गोरिथम है पावर हंगरी है, कार्ड थोड़े हीट होंगे इसलिए मैं अर्गो बताता हूँ। अब आप 2060 सुपर की बात करते हो तो अर्गो पे 2060 सुपर का हैश रेट है 85 से 90 जी, 3060 TI से आपने कंपैरिजन किया उसका है भैया 130 से 135 30 TI जी, इसका ज़्यादा है 3060 का 115 से 120 3060 का अच्छा 2060 सुपर से सस्ता 3060 बहुत फर्क है, 3060 होगा 56,000 से 60,000, 2060 सुपर होगा 60,000 से 64,000 GST पेड टैक्स पेड का रेट। चलो मैं ना अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो शायद कोई कर रहा हो तो मुझे मालूम नहीं, मतलब या तो जैसे सुनने में आया था भैया कुछ प्री डिफाइंड बायोस होता है माइनिंग मदरबोर्ड में, ये होता है वो होता है, ऐसा भैया कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है बेवकूफ़ नहीं है वो जो काम कर रही हैं। और मैं वो चीज़ दिखाता हूँ, आओ आराम से भैया कोई नहीं, आप इसको छोड़ो वहाँ पे फोकस करो, देखो कौन सा बोर्ड लगाया इसमें, वही लगाया हमेशा की तरह सदाबहार B450 MSI वाला, B450 MSI वाला, हाँ आओ बैठो। ओके कुछ स्पेशल दिखाने वाले हो क्या, मैं एक चीज़ ये सारे चल रहे हैं, दो होंगे ना यहाँ तो, चलो दूसरा दिखाओ मेरे को बोर्ड, दो होंगे ऑफकोर्स इतने सारे कार्ड हैं, दिखा दो यार, एक ये रहा दूसरा, यहाँ तो पावर सप्लाई है, वाओ 14 कार्ड जीरो से स्टार्टिंग है, 14 कार्ड भैया 14 कार्ड चल रहे हैं सब की टेस्टिंग कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल है ये आपके सामने चल ही रहा है, अराउंड 2 घंटे होने वाले हैं, 1 घंटा 40 मिनट। ओके ये कैसे पॉसिबल करा आपने, ये तो गेमिंग बोर्ड है ना, अरे रुको तो यार मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, शायद कुछ अंदर छुपा रखा होगा, कुछ जादू हो जाएगा अभी, बता जरा। अच्छा दिखाओगे आप यार किस पे, वॉलेट से अपने, सब दिखा दूंगा, iOS, वाओ। बात होती है प्री डिफाइंड बायोस और गेमिंग बायोस की, मैं ऊपर दिखा दूं, बेटा बंद कर इस मशीन को पूरा, अच्छा बंद करने वाले हो, सामने स्क्रीन पे फोकस करो, बंद स्क्रीन, बंद हो गया, हाँ एक सेकंड रुको, चलो बोलिए बेटा, तो मशीन अब ऑन कर रहे हो मतलब रिग को, 4 पावर सप्लाई है, ओके आगे डिस्प्ले, बिल्कुल भैया भैया जी थोड़ा जूम करो, लो मेरे को दिखाओ मैं करके दिखाता हूँ कुछ, भैया पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है, PCI E1 अब 4G मेमोरी, हाँ करेंसी माइनिंग, बिल्कुल जितनी जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं है, इसका मतलब जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मतलब बायोस उसका, अच्छा ठीक है, तो मतलब इन गेमिंग मदरबोर्ड में भी दे रखा है माइनिंग के लिए, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ यार, वो थोड़ी झूठ बोल रहा है, ओके मतलब वहाँ खुद ही लिखा है कि माइनिंग कर सकते हैं इस बोर्ड से, रुको वेट तो करो थोड़ा पेशेंस रखो यार, ओके जल्दी की बात की भाई, मेरे यूज़र को जल्दी होती है ना, उसको जल्दी नहीं होगी देखने के बाद ये ठीक है, ओके हाइव OS इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है भैया, इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है, इंडस्ट्रियल एरिया यार, अच्छा अच्छा आ जाती है, फैक्ट्री है ना सारी आसपास, फैक्ट्री है मतलब सारे आसपास, ओके लोग कहते हैं जैसे धूल वूल से पार्ट जल्दी ख़राब होते हैं, ऐसा है क्या, कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता, हमें कहना लोग अगर लोग नहीं कहेंगे कौन कहेगा, ये बताओ अभी कार्ड गिनना कितने कार्ड आते हैं, लेट्स सी, क्या पता भैया कोई नया बोर्ड आ गया हो 14 स्लॉट का 20 स्लॉट का, कुछ हमने गलत लगा दिया हो,
चौथा कार्ड चला दिया आपने B450, लोग 6 कार्ड नहीं चला पाते, आपने 14 चलाए उसी बोर्ड पर। क्या कहा था आपको शुरू में, नेहरू पे चले जाना, जाके पूछ लेना कितने साल से मेरे को जानते हैं माइनिंग में। अच्छा आगे बोलने में करने में भैया जमीन आसमान का फर्क होता है। जीरो से स्टार्ट है, 13 मतलब 14 कार्ड है, जीरो को भी गिना जाए तो गिन नहीं पाओगे ना, अभी हैश रेट आ जाएगा सब कार्ड्स का। बिल्कुल, हैश रेट के आगे ना सीरियल नंबर लिखा होगा, सीरीज नंबर, सॉरी सीरीज, जीरो से 13 ओके 14 बोलते हैं टोटल। और लोग के बोलते 33 के कार्ड चलेंगे नहीं, 5 कार्ड नहीं चलेंगे, 4 कार्ड नहीं चलेंगे। हाँ ऐसा सुना था ना आपने भी, लोग कहते हैं वो बना नहीं उस चीज़ के लिए। भैया जी लोग नहीं बने बनाने के लिए, लोग बने फुद्दू बनाने के लिए। 525 हैश रेट, वो अभी गिर जाएगा 500 के आसपास आ जाएगा वो। अभी आप देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जिसमें नेगेटिव भी हो सकती है, ये एल ए बड़ा बड़ा आ रहा है, एल ए देखो लोड एवरेज, लेकिन अभी वो अपने आप कम हो रही है। अच्छा हाँ, गिरती जाएगी ये 0.85 है, जैसे भी ये कार्ड उठता है ना हाँ। वो अपने आप ड्रॉप होती जाती है जैसे जैसे उसको क्लॉक को पकड़ेगा वो, जो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ABC नहीं होता, ABC हाँ गिर रहा है 0.7 आ गया, सारा खेल BIOS का है। हाँ 0.6 आ गया, सब PCI लेंस का कमाल होता है और कुछ नहीं होता, प्रोसेसर और मदरबोर्ड को मिक्सअप करना होता है, सब BIOS का खेल है। कंपनी भैया फुद्दू नहीं बैठी, जितना माल बेच रही है अपना और लोग लगा रहे हैं। ओके पहले गिर गया, अभी और गिरेगा 0.45। कितनी देर में हैश रेट आएगा इनका, आ तो गया टोटल 500 हैश रेट आ रहा है। हाँ 1:30 से स्टार्ट है, ओके 2:47। भैया ऐसा होता है कोई एरर आती है ना, यहाँ पे रेड लाइन शो हो जाएगी, अभी बैठो अभी हम रेड लाइन देखना, ना किसी कार्ड के आगे मार्क आए ना रेड लाइन आई। ओके जी चलो मैं आप बैठो यहाँ पे। ये ऐसा है प्रूफ करने के लिए, वहाँ पे फोकस करो सामने, रिग आईडी लिखी आ रही होगी, लिखा ना रिग अंडरस्कोर 4692801। बिल्कुल भैया पढ़ो आगे, भैया अपने सब्सक्राइबर को दिखाओ, मुझे तो आता ही है करना। लिखी है वहाँ पर आईडी, जूम करो दिखाओ कहाँ पर, ये लिखा यार। हाँ बस मैं कंफर्म करूँ, जूम करो, जूम करो कैमरा को, जस्ट अ मिनट 4692801 ये आईडी है इसकी। 14 कार्ड दिख रहे हैं आपको, हाँ 14 कार्ड और हैश रेट भी आ गया ऑलमोस्ट सबका 35। निकाल लेते, दुनिया निकाल लेती है। हाँ उसकी कहानी नहीं है। आओ भैया ये मैंने मारा रिफ्रेश। हाँ बिल्कुल भैया 801 आ रहा है, कुछ अलग तो नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल भैया देख लो ध्यान से 801-429। हाँ भैया वही है, वही है भैया। बोर्ड पढ़ लो कौन सा है, B450 गेमिंग प्लस मैक्स, प्रोसेसर एथलॉन 3000G से चल रहे हैं ये। भैया GPU का सीक्वेंस पढ़ लो कौन सा है, हाईनेक्स मेमोरी के साथ है 3060 सीक्वेंस भैया, 13 GPU और 32 जीरो से 13 मतलब 14 हो गए। हाँ बोर्ड देख लो, B450 प्रोसेसर देख लो एथलॉन, किसका खेल है ये, KBC का। KBC का मतलब क्या है ये, कौन बनेगा करोड़पति मतलब B450 जिसमें 6 स्लॉट हो तो उसमें आपने 14 कार्ड चला दिए यहाँ पर, वाओ कैसे पॉसिबल करा भैया। क्या बताया था, एक्सपीरियंस है BIOS का खेल होता है, आपको मैंने पहले दिन से बताया सिर्फ भैया BIOS की सेटिंग है और कुछ नहीं है। B450 जो मतलब गेमिंग बोर्ड है, स्टेबल चलेंगे नहीं चलेंगे। 12 कार्ड मैंने चलाए थे, 8 घंटे स्टेबल इस पे चले थे, 14 चेक कर रहे हो, आए थे तो बंद किए थे ना अभी आपके, चल रहे थे 8 घंटे से बिल्कुल। अभी 2 कार्ड आपके सामने ऐड करवाए हैं, कल कोशिश करेंगे और कार्ड ऐड करने की, क्या पता चल जाए। अच्छा लिमिट देखना चाहते हो, बिल्कुल क्या बात है, इसे मेरे ख्याल से R&D कहते हैं भैया, वन मैन आर्मी होती है। जो मेरे दिमाग में है ना मैं आपके दिमाग में नहीं डाल सकता उस बात को, ये चीज़ होती है। लोगों की तो खुद की R&D टीम होती है ना यार, देखो ऐसा होता है यहाँ में दो, ये कितने कंप्यूटर चल रहे हैं आपके सामने, 4 और 4 8, दो बंदे बैठा दूँ R&D टीम हो गई क्या,
जब उनको चीज़ों का अता पता ही नहीं है कि भैया क्या चीज़ लगानी है, जो उनसी चीज़ वैल्यू फॉर मनी है, वो जब तक वो नहीं आप यूज़ करोगे किस बात की आरएनडी होगी। अब इसमें मुझे बताओ क्या चीज़ गलत लगी है। नहीं भाई, इसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने 14 कार्ड चला दिए और बिल्कुल तरीके से चल भी रहे हैं, वाह। क्रैश हो जाते हैं ना। हाँ देखो कहीं पे क्रैश है, कोई क्रैश नहीं है, मतलब बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। एक कार्ड का शेयर रह गया, वो भी आ जाएगा। ओके, हर कार्ड का शेयर विद टाइम आता है। देखो सामने एक कार्ड का शेयर रह गया, दो मिनट रुको, अभी वो भी शेयर दे देगा। ओके, हैशटैग से कुछ नहीं होता, शेयर कितने आ रहे हैं, कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं वो मैटर करता है। आपने ओवरक्लॉक कर दिया उसको पागलों की तरह, वो साला उसका शेयर ही रिजेक्ट हो जाएगा बार बार, आप क्या कर लोगे। उसको बोलते हैं इनकरेक्ट शेयर। आपने ओवरक्लॉक तोड़ के दिखा दिया भैया इतने हैश रेट निकाल दिया, उसका शेयर ही रिजेक्ट हो रहा है यार, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, वो शेयर ही इनकरेक्ट हो गया। देखो सबके शेयर आ गए, चेक करो। हाँ भैया आ गए अब तो। ओके, ये होती है आरएनडी, इसे कहते हैं आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मुझे बताओ किसने आरएनडी किया है अब तक। मैं तो अब भी ये सोच रहा हूँ 14 कार्ड आपने 6 स्लॉट में चला कैसे दिया। एक और बोर्ड ढूंढ लो यार, कोई क्या था, कोई गायब हो यहाँ पे बोर्ड। अरे नहीं नहीं यार, पावर सप्लाई हो गया बोर्ड, मिस्टर इंडिया हो गया बोर्ड। अच्छा भैया मैं एक चीज पूछूं, एक कार्ड पे कितने पैसा खर्च हो रहा है उसे चलाने के लिए, वो कैलकुलेट करें एक बार। नॉर्मल मार्केट में जो चीजें दी जाती है, एक बार फोन निकाल लो आप, अपना कैलकुलेटर खोलो, पहले नॉर्मल मार्केट का रेट वो करते हैं जो दिया जाता है। चलो आप मुझे बताओ बोर्ड कितने का लोग लगाते हैं। जो बोर्ड आता है जो 16 लाइन का जो राइजर लेस वो आता, पहली बात तो 16 लाइन होती नहीं है। 16 लाइन का लोग तो बोलते हैं भैया जी, अगर वो 16 लेन वाला होता फॉर एग्जांपल, तो आपने सुना होगा 3016 वर्जन V1 वो चलता है 16x वाले पे। क्या उस पे 3060 सारे चलते हैं, मतलब कैसे। जो 3060 का V1 था फर्स्ट वर्जन, उसको 16x का स्लॉट चाहिए होता है मदरबोर्ड में। ये जो चाइनीज बोर्ड आ रहा है आप उसमें 3060 चला के देखो 8x8 क्या वो चलेंगे। चलाए थे आपने? मैंने तो कभी ट्राई नहीं करे, करके देखना। नहीं चलते, नहीं चलते भैया, वो प्रॉपर 16 लाइन का बोर्ड होता ही नहीं, नहीं है भैया। अच्छा ये भी चल रहा है, बहुत कुछ चलते हैं भैया बाजार में। कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नहीं होते। कुछ मॉडल विदाउट 16 लाइन वाले हैं, कुछ नॉर्मल। बाकी भाई कैलकुलेशन करते हैं, बताइए। हाँ का बोर्ड कितने की किट आती है, वो कैलकुलेटर फोकस कर लेते हैं। बोर्ड आता है 35,000 रुपये का, 8 वो चलते हैं उसमें। चलो सप्लाई कितने की आती है भैया। पावर सप्लाई 8 के लिए बड़े कार्ड तो 2 आते हैं, तो 25,000 वाली और एक आती 35,000 वाली। कौन सी लगाऊं भैया? इसमें 35,000 वाली क्योंकि कार्ड ज़्यादा है इसमें। आपके 8 कार्ड चले गए इस पर? 8 कार्ड चलेंगे इस पर। 70,000 रुपये। हाँ डिवाइड बाई 8, एक कार्ड को चलाने के लिए 8,700 रुपये, 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं एक कार्ड को चलाने के लिए। जी बिल्कुल, ये वो है जिसमें से कमाई नहीं होगी यार। कमाई होगी नहीं होगी इसको छोड़ दो आप। हाँ तो हो गई आपकी बेचने की वैल्यू या अपग्रेड की वैल्यू। हाँ ये तो चलाने की कॉस्टिंग है। हाँ ये तो चलाने की कॉस्टिंग आ गई ना, एक कार्ड पे आप कितना ओवर पे कर रहे हो। एक कार्ड को चलाने के लिए 8,750 रुपये देने पड़ेंगे जी। अगर बात की जाए इस सेटअप की जो आपने सेट करा है यार, मैं कहता हूँ उसको भी आप छोड़ दो, हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल की ठीक है, आप 6 ये तो भी एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल हो चुका है, 12 कार्ड तो चल चुके हैं 8 घंटे। 12 कार्ड तो चलेंगे जी, वो मैं चला चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी B450 जी। मतलब बायोस्टार से तो अच्छा तो ये ले लो भैया, आरएनडी कहते हैं इसको। आरएनडी बहुत फोकस दिया जा रहा है आरएनडी पर। B450 10,000 कहा जाता है, 11,000 समझ लो, 18,000 का मतलब वो प्रोसेसर आ गया प्रोसेसर के साथ, प्लस आपकी 3,000 की 8GB रैम आ गई। उसमें किट में आपकी SSD इंक्लूड होती है 35,000 रुपये में। पेन ड्राइव लगाई जाती है वहाँ पर। SSD की बात करो भैया, SSD नहीं होती इसमें, हम पेन ड्राइव इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव 400 रुपये की ठीक है, 32GB लगाई है। अब पावर सप्लाई की बात रही भैया, 2 3070 Ti मैक्सिमम चलाओगे आप। हाँ ठीक है जी। हाँ तो मैं तो भैया 3 लगा के दूंगा उसमें आपको। 3 लगा के दोगे जी? बिल्कुल, 750 वाट जी, 7 14 21 ये, हाँ 2250 वाट हो जाएगी टोटल। टोटल की बात नहीं होती भैया। हाँ यहाँ पे गलती कर रहे हो, बात होती है तारों की, एक
कैपेबिलिटी है लोड को बर्दाश्त करने की। 750 की 3 सप्लाइयाँ मिलकर 2250 का लोड नहीं झेल पाएंगी। एक तार की औकात है लोड को झेलने की। अब हम क्या करते हैं, 3070 TI लिया, एक तार से आपने स्प्लिटर डाल दिया उसके अंदर, ऊपर 2 पोर्ट हैं, एक तार आपने स्प्लिटर में डाल दी, ठीक है, दूसरी तार आपने दूसरे कार्ड में डाल दी, जो इस सप्लाई में तीसरी तार है ना भैया, उस पर स्प्लिटर लगाया, एक राइजर में पावर दी, दूसरे राइजर में पावर दी, आपकी जो 200-200 वॉट का लोड है वो दो तारों पर डिवाइड हो गया, बिल्कुल, प्लस राइजर का लोड एक तार पर चला गया आपका। इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग। ये R&D के बाद समझ में आता है, थोड़ा सा टिपिकल्ट है बट मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि बैलेंस भी करना होता है। सिंपल सी बात है, तीन तारें आपको मिलती हैं, एक तार पे एक कार्ड चलाओ, दूसरी तार पे दूसरा कार्ड चलाओ, और तीसरी तार पे राइजर को पावर कर दो। राइजर को पावर भी PCS से कर दो, साटा से नहीं करना, साटा से नहीं करना, इसको लोड बैलेंसिंग बोल देते हैं। ओके, बाकी भैया आप कह रहे थे ना 40,090 रुपये बन के, 40,900 रुपये में आपके 6 कार्ड चलते हैं, 6 कार्ड, ठीक है भैया, डिवाइड बाय 6, डिवाइड भी 6 से कर रहे हैं भैया, 6 कार्ड ही चला रहे हो ना आप इस बोर्ड पे, तो ये आपकी कॉस्टिंग बैठती है 6,816 रुपये पर कार्ड की, अराउंड 2,000 रुपये कम आपकी, ये 2,000 को मार दो गोली। इसमें आपका जो सामान है या तो वो रीयूजेबल है या उसकी एसेट की वैल्यू है जी, जो आपके पैसे डेड नहीं हो रहे। ये तो भैया हमने 6 कार्ड पे किया है, अब क्या पता मेरे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तो ये 5,000 के आसपास भी चला जाएगा, 4,500 बिल्कुल चला जाएगा भैया। मतलब एक चीज और देखी, वो 8,750 से बन के तैयार, एक सेकंड भैया, थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें हमने राइजर के पैसे नहीं जोड़े, तो 40,900 प्लस 6,000 कर लो मैक्सिमम आप राइजर के, राइजर प्लस स्प्लिटर, स्प्लिटर तो लगेंगे ना भैया, 9 स्प्लिटर लगेंगे, तो ये हो गया 46,900 रुपये, इसको 46,900 डिवाइड बाय 6, तब भी भैया 7,800 बैठती है, 7,800, मतलब उसे सस्ता पड़ता है ये भैया, आपके सामने है, फैक्ट पे बात करो, हवा में बात मत करो। और अगर भैया 12 कार्ड या 14 कार्ड चलते हैं सही स्टेबल, तो फिर तो बहुत सस्ता बैठ जाएगा। अगर 12 पे कैलकुलेशन कर दूं, 12 तो कार्ड पर भैया, 12 पे आप मान के चलो 10,000 का बोर्ड, 8,000 का प्रोसेसर, 3,000 ग्राम, ओके, एक्सटेंडर वेट कर दिया, और इसमें पावर सप्लाई भी होगी 12 कार्ड के लिए, 12 कार्ड के लिए 4 सप्लाई लगाएंगे हम, 4 सप्लाई डिवाइड बाय 12, 55,000, ठीक है जी, एक सेकंड सॉरी, 55,300 प्लस 10,000 रुपये ऐड कर लो अब राइजर, राइजर केबल 55,300 था ना, प्लस 10,000, 65,300 डिवाइडेड बाय 12 कार्ड, तो एक कार्ड 5,400 के आसपास चल रहा है जी। ओके, मतलब नॉर्मल जो मदरबोर्ड आया तो उस पर 8,700 चलता है। आपकी डेड कॉस्टिंग नहीं है, डेड कॉस्टिंग नहीं है, इसकी रीसेल अच्छी है, जो 8,750 की थी वो डेड कॉस्टिंग थी। ओके, हाँ, और इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है और सस्ता पड़ रहा है भैया। भैया फैक्ट से बात करो, आपको मैंने पहले भी क्या बोला था, पैसे को पैसा समझो, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, हर कोई भैया मेहनत से कमाता है, समझे, मेहनत से कमाओ, दूसरों की पैसे भी पैसा समझो, अनाप शनाप गलत गाइड मत करो यार, क्या मिलेगा, 2 पैसे कमा लोगे खुश, किसी को परेशानी होगी बाद में, बददुआएं देगा भैया जब उसको मालूम चलता है ना। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, भैया ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, मैंने कहा भैया जो हो गया उसकी मुझसे करो मत, जहाँ हुआ है वहीं जाके बात करो। मेरे पास तो भैया ये है, आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके सब्सक्राइबर होंगे ना, मुझे फ़ोन करते हैं, आप रैंडमली किसी को कॉल करना, क्या कभी कॉल बैक आया मेरा उनको, नहीं, किसने बोला आपको, नहीं, आप कहाँ कॉल बैक करते हो भैया, आपके पैसे हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करो, आपने कमाए हो पापा से जिसमें मर्जी लिए हो, हर कोई मेहनत से कमा के देता है भैया, उसको पैसा समझो और चीज़ों को समझो भैया, ये कोई इंसान नहीं है कि आपने बोला चालू है चालू हो जाएगा, इसको एक कंप्यूटर का पार्ट, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझो, इसमें दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, आप इसको पहले सीखो कैसे काम करेगा, उसके बाद इस पर पैसा लगाओ, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया भैया ये नोट छापने की मशीन है, ऐसे है नहीं भैया, नोट नहीं छापती है कोई, ये भी मेहनत करवाएगी आपसे, ये मेहनत करवाती है भैया। मुझे एक बात बताओ,
अगर इतना ही आसान होता तो क्या दुनिया में हर कोई नहीं कर रहा होता? क्यों नहीं कर रहे? वो बेवकूफ़ हैं, तो ये बैंक खुद लगा लेते। हाँ, बैंक गवर्नमेंट बैंक दूसरे को लोन पे पैसा देते हैं। हाँ, वो खुद नहीं लगा सकते थे बैंक ले अगर इतना आसान होता। माइंड वो पागल हैं, आप समझदार ज़्यादा हो। अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे बताओ, जो जितने भी ये सोलर लाइन के मतलब जो भी कह लो या आज जिसमें कार्ड चल जाते हैं, ये जाते चाइनीज को आते, कंपनी क्यों नहीं बनाती ने भैया? अब आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी के बेवकूफ़ है क्यों? आपसे आपके पास कंपनी से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, उनका करोड़ों रुपए का काम है रोज का, वो उसको नहीं मंगा सकते थे क्या? वो पागल है। मैं वही कह रहा था। फिर क्यों नहीं, कारण क्या है भैया? जो चीज़ की मतलब वैल्यू फॉर मनी जो चीज़ है ही नहीं, वो क्यों बनाएंगे? आप किस मर्जी कंपनी की बात कर लो, क्या वो ये बोर्ड नहीं दे सकती थी आपको? ऐसी कौन सी कंपनी जो माइनिंग का काम नहीं करती, मुझे कंपनी बता दो आप। हाँ, MSI के 6 स्लॉट में बोर्ड आ रहे हैं। MSI को मारो गोली यार। हाँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो माइनिंग का काम नहीं करती, माइनिंग के प्रोडक्ट नहीं बेचती? सभी सारी कंपनी बेचते हैं कार्ड पे बोर्ड। वो वाला बोर्ड क्यों नहीं लाई कंपनी कोई, मुझे बस ये बता दो। क्योंकि उनको पता है भैया, अगर कल को माइनिंग में कुछ भी हुआ, हमारा स्टॉक धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, कहाँ बेचोगे? जब रीसेल वैल्यू नहीं है कस्टमर इन। भैया रीसेल छोड़ो, अब कंपनी के पास अगर 100 पीस का ऑर्डर होता है ना, वो 200 मंगाती है। हाँ, कि चल 800 बिक रहे हैं, मेरे फिर से बिकेंगे। इस बेसिस पे रोटेशन होती है, काम होते हैं। ये नहीं कि 100 का ऑर्डर आया 100 मंगा लिए, फिर जब अगला ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर मंगाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता भैया। उनको पता है अगर माइनिंग को कल कुछ हुआ, हमारा माल बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसका कोई यूज़ ही नहीं है माइनिंग के अलावा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी को तो भैया इस चीज़ मालूम है कि इतना फ़ायदा हो रहा है, मैं तो बेच सकता हूँ इसको। हाँ, कंपनी क्यों नहीं बेचती, आप मुझे बता दो। कोई कंपनी बेचती हो तो कोई भी कंपनी नहीं बनाते इस। मेरी नॉलेज में कुछ कमी होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी नहीं बनाते इस मदरबोर्ड को, जो भी बड़ा मदरबोर्ड होता है। अगर आप दिन का 10 लाख का बिजनेस करते हो तो मेरे हिसाब से कम 5 करोड़ का करती होगी दिन का। अगर आप 10 लाख का कर रहे हो तो, हाँ, तो उस रेशो में एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, वो रेशो की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भी तो धंधा कर सकती है ये। हाँ, वो क्यों नहीं करते? बड़ा बोर्ड वो भी तो ला सकते भैया। बायोस दिखा दिया आपको मैंने, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला। बिल्कुल, वो पागल है। ये बताओ, उनके पास R&D की टीम नहीं है? हाँ, उनके पास R&D टीम, सर्विस तो वो भी दे देंगे। फिर कौन सा ब्रांड सर्विस नहीं देता, मुझे ब्रांड बता दो आप। सभी देते हैं। फिर वो पागल बैठे हैं क्या? तो मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे? एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है भैया। एक पॉइंट अभी और है बहुत भयंकर। क्या? मैं आपको चीज दिखाता हूँ। बताओ जी, कौन सा कार्ड है ये? यार कार्ड तो हम 36 की रखते हैं अपने पास, वही लगाते हैं। हाँ, ये भैया गैलेक्स का है, ये ब्रांड ना मेरा पसंदीदा ब्रांड है 3060। ये ब्रांड मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बहुत। ये देखो, ये कार्ड चल रहे हैं, सॉलिड बिल्ट है। ओके, ठीक है। अब इसकी इंपोर्ट डेट देखो आप, जैन 2022, एक महीने करंट इंपोर्ट है, दिन कुछ दिन पुराना है बस। कुछ दिन पुराना। हाँ, चाइना से निकला। हाँ, यहाँ पहुँचा, टाइम लगता है ना। हाँ, फिर हमारे पास आएगा, टाइम लगेगा ना इन चीज़ों। बिल्कुल भैया, इस चीज़ के लिए अब कंपनी ने मुझे माल दे दिया। हाँ, किसी को भी दे दिया। हाँ, कुछ टाइम का एक ट्रेडर लाइसेंस बोलो या कुछ मर्जी बोलो उसको। हाँ, आप एक ड्यूरेशन होती है माल को बेचने की, जो कि मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने की रहती है आज की डेट में। अब आप मान के चलो कंपनी कहते 3 साल की वारंटी, 3 महीने ऐड कर लो इसमें मैक्सिमम और 3 साल, तो इस कार्ड की भैया वारंटी वैलिड हो गई 2025 अप्रैल मई तक। मतलब 3 महीने का ट्रेडर लाइसेंस है ना मेरे पास तो। हाँ हाँ, कि भैया मेरे को 3 महीने माल अपना बेचना है, 3 महीने की वारंटी मैं भुगतूंगा उसकी, उसके बाद की। हाँ, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं भैया, फॉर एग्जांपल 2020 का कार्ड था, 21 का कार्ड था शुरू का, 2021 फरवरी मार्च का मान लो, जब जिसको आप बोल देते हो नॉन एचआर कार्ड, एचएचआर कार्ड, नॉन एचआर कार्ड, जो भी आप बोलते हो, किसी के पास सील पैक रखे हुए हैं, तो क्या उसकी वारंटी आज से मिलेगी आपको अगर आज का बिल मिल जाएगा तो? नहीं, तो ये एक स्कैम है।
अगर मैंने आपको कार्ड आज बेचा, ठीक है, आपने बोला भैया मुझे आज ये कार्ड दे दो, ठीक है भैया ले जाओ भैया, उसकी वारंटी हमेशा भैया डेट ऑफ इम्पोर्ट से चेक करनी चाहिए, डेट ऑफ इम्पोर्ट से चेक करनी चाहिए जी। उसकी अब मुझे एक बात बताओ भैया, 2018 में माइनिंग का भट्टा बैठा था, हाँ जून जुलाई में, ठीक है जी, सितंबर अगस्त मान लो आप सेफर साइड पे, अब उस टाइम पे RX 574 GB कुत्तों की तरह बिका था, बट ले जाओ मतलब अनाप शनाप रेट पे, ठीक है 1066 GB हो गया, 1070 ये सब कार्ड, अब दुकानदारों ने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, जो भी किया स्टॉक भर लिया, जब वो नहीं बिका, अब उन कईयों के कार्ड भैया 1070 हो गया, सील पैक कार्ड पड़े हुए थे 1070 Ti जिनके 2021 में बिके, अब कस्टमर को कैसे बेवकूफ़ बनाया भैया, आप बिल ले जाओ वारंटी के लिए, जब भैया कल को कस्टमर जाएगा ना सर्विस सेंटर, पता क्या बोला जाएगा, भैया इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, मतलब बिल पे नहीं वारंटी मिलती है यार, इम्पोर्टर बेवकूफ़ थोड़ी है, हाँ। वो आपका माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है वो रिस्क इम्पोर्टर क्यों लेगा, आप क्या रिस्क लोगे फिर जी, भैया देखो जब आप धंधा कर रहे हो ये तो आपका रिस्क है ना, आप मत लो, जितना माल बेच सकते हो उतना माल उठाओ, आप फालतू माल मत खरीदो, डॉक्टर थोड़ी कह रहा है माल खरीद लो यार बिल्कुल हाँ, जितना दम हो उतना खरीदो, नहीं तो वारंटी अपने सर पे लो, हाँ, जो एक दो महीने तीन महीने बिक जाए, नहीं नहीं अगर आपका नहीं बिकेगा तो भैया आप अपने पास से उनको नया कार्ड दोगे, वो आप कैसे मर्जी दोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इम्पोर्टर की थोड़ी है, लाला जी ये थोड़ी कहते हैं कि कमाए तू ले रिस्क मैं लूँगा सारा, लाला जी कहते हैं बेटा इतना टाइम है इतने बेच लेना, नहीं तो खुद रिस्क ले लेना ओके तो मतलब एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वारंटी है ना बिल से नहीं मिलने वाली है, वो डेट ऑफ इंपोर्ट से मिलने वाली है कि वो मैन्युफैक्चर मतलब इंपोर्ट का टैग, जब डेट ऑफ इंपोर्ट से खत्म हो जाएगी हाँ तो आपके बिल की वैलिडिटी होगी तीन चार महीने की, तीन से चार महीने के बाद, एक साल बाद इंपोर्ट वाला लेके पहुंच जाओगे, वे कोई वारंटी नहीं मिलती, तो बिल पर ध्यान ना दीजिए और किसी के पास पुराना है, ध्यान दो लेकिन बिल तो भैया जरूरी है, हाँ अपने रिकॉर्ड के रखोगे ना बिल को, हाँ हमेशा कार्ड पे मैन्युफैक्चरिंग की या इंपोर्ट की डेट देखो, और कार्ड के अंदर जो निकल रहा है, जो डब्बे के अंदर कार्ड निकल रहा है उसका और बॉक्स पे जो सीरियल नंबर है हमेशा मैच करो, समझ गए बात को, बिल्कुल भैया तो ये कंसेप्ट है। अब ये लोग खुले हुए कार्ड बेच देते हैं, डब्बा कोई और चिपका दिया, कार्ड कोई और दे दिया, डब्बे पे दिखा दिया भैया फ्रेश इम्पोर्ट का माल है, आप मंथ ऑफ इम्पोर्ट पढ़ लो, अंदर आपने ध्यान दिया नहीं, आप तो उसकी फेस वैल्यू पे चले गए, अंदर कुछ और ही सीरियल नंबर निकला, जब सर्विस सेंटर पहुँचे कभी साल दो साल में उसने बोलना है भैया तो आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, तब क्या करोगे आप, कोई कार्ड की जब आप मानो जो 6 महीने पुराना कार्ड था 3060 मान लो, और आज का जो कार्ड है शक्ल थोड़ी चेंज हो गई, शक्ल तो वही है ना कार्ड की, बिल्कुल भैया बस, तो ये सीन चल रहा है जी ओके, आप सेफ्टी चेक कर लो चल रहा कि नहीं चल रहा, हाँ 25 मिनट हो गए जब से स्टार्ट करो, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ओके। बाकी भैया और कुछ और बताना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर को कि वो क्या क्या करें, भैया सब कुछ तो बता दिया यार, हाँ वो बता दिया, एंड ऑफ द डे जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैंने, जितना मैंने फेस किया है हाँ। जो मेरे को नॉलेज है, अब जिसको लगता है मुझे नॉलेज नहीं है तो भैया क्या ही बोले, आपके पैसे हैं आप जो मर्जी करो। बाकी भैया वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी, 1 घंटे की वीडियो है भैया, देखो अगर इसको देखोगे या कुछ भी शायद 2 पैसे बचेंगे आपके, इस वीडियो को देखने से 2 पैसे बचेंगे, बिल्कुल मेरे बचते हैं भैया आपके सामने चला रहा हूँ ना, कॉस्टिंग आपके सामने निकालता हूँ रोज बैठ के, कुछ अलग तो है नहीं, बिल्कुल दोबारा देख लो दूसरा बोर्ड तो नहीं है कहीं पे, अरे नहीं 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 भैया का दूसरा बोर्ड होता है ना एक्सटेंडर लगाए पे चल नहीं रहा होता, ओके 6 गाड़ी आ रहे होते ना, मतलब ये तो 22 स्टार से सस्ता पड़ रहा है बोर्ड अगर देखा जाए तो, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, जिसको समझ में आ गया उसको आ गया, जिसको फुद्दू बनना वो बनेगा ही बनेगा, अब तो लोगों पर बात है जिसे जहाँ सही लगे भैया, जिसको जहाँ समझ में आता है जहाँ जिसका दिल मानता है ना वहीं काम करना चाहिए। अच्छा भैया बात बताओ, अपनी कैलकुलेशन हमेशा करो, हाँ जी बोलिए, एक बात तो किसी को रिग बनवानी तो आप भी बना दोगे ना भैया, रोज ही बनाते हैं, अच्छा
तो गाइस अगर किसी को भी रिक बनवानी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भैया का नंबर मिल जाएगा और एड्रेस। मैं रिक बनाऊंगा नहीं, मैं उनको सिखाऊंगा, जो लोकल होंगे ना हाँ। अपने रिक खुद बनाओ के जाओ यहाँ से, क्योंकि भैया कल को कुछ दिक्कत आएगी आपको खुद ही सॉल्व करनी है ना वो चीज़ें। मैं आपको कमा के तो दूंगा नहीं, आपको अपना पैसा लगाना है, खुद ही कमाना है आपको उससे। आपकी कोई मैंने नौकरी थोड़ी करी है यार। बिल्कुल भैया, सिंपल सी बात है भैया, ये कोई घुमा फिरा के बात नहीं भैया। आपका काम है, आपको पैसा लगा रहे हो, आपको खुद ही कमाई करनी है उसमें से। कोई किसी को कमा के नहीं देता, खुद ही कमाना पड़ता है जब पैसे लगते हैं तो। ओके, नहीं सही है, पहले क्लियर कर दी। जो भैया इसके लिए कुछ बोलता भी है ना कोई हाँ। आप उनसे पूछना हाँ। उनका एक्सपीरियंस कैसा था किसी और के अगेंस्ट में हाँ। पता क्या बोलेंगे, भैया हमारे फोन ही नहीं उठते, मेरे पास कितने लोग आते हैं। अभी जब आप आए थे हाँ। एक आपके अंकल का फोन आया था ना, बिल्कुल, वो क्या GK2 से नहीं, क्या वो बोल रहे थे कि मेरा छोड़ा ना वीडियो, क्या भैया मैंने XYZ जगह से ली थी हाँ। अब मुझे दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने क्या बोला, 10,000 रुपए महंगा दे दिया सामान, ये 20,000 रुपए भैया एक कार्ड 20,000 रुपए खाए है। चलो भैया वो देखो, उनको रेट एक्सेप्ट हुआ वो ले गए, बात रेट की भी बात सर्विस की थी मेन चीज हाँ हाँ। मतलब इतना महंगा माल बेचने के बाद भी आप सर्विस नहीं दे तो क्या फायदा काम का हाँ, पता नहीं भैया कौन थे अपने को, क्या मतलब आएंगे उनकी हेल्प कर देंगे जितना हमसे हो सकता है, बात खत्म। ओके, बाकी भैया वीडियो क्या लगता है खत्म कर देनी चाहिए, एक घंटे से थक गया मैं भी थक गया। बाकी बहुत नॉलेजेबल की चीज़ भैया इस बार आपने दिया, आपने जो 5 साल में जो सीखा है, पता नहीं कितने लाखों रुपये आपके वेस्ट हुए होंगे इस चीज़ में। अब क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार ना आप नेहरू प्लेस जरूर जाना, पूछना कि मुझे कब से जानते हैं, बता देंगे आपको अपने। नहीं मैंने आपको नेहरू प्लेस से ढूंढा है। अच्छा आप मेरे पास आए थे या मैंने आपको बुलाया था? मैं आया था, मैंने नेहरू प्लेस से पूछा हाँ। कि सबसे अच्छी रिग विग या मतलब इस फील्ड में जो अच्छा हो, मतलब टॉप पर हो, तो काफ़ी स्मार्ट टेक, डिजिटल ओशंस और दिलीप करके और उसका जो बोर्ड लगा रहता है, सूरज टेक्नोलॉजी, सब ने एक रेकमेंड, इवन सिंप्लीफियन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि एक ही बंदा वो है मयंक, उन्होंने नंबर दिया था। और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकान है नेहरू प्लेस में, स्मार्ट टेक, डिजिटल ओशन, सूरत, इन्होंने बोला था कि इस फील्ड में जो इंसान है ना अच्छा, वो मयंक है, आप उनके पास चले जाओ। अब देखो जो वो सामान बेचते हैं हाँ, मैं उसके अगेंस्ट ही आपको बता रहा हूँ हाँ, ये भी है। देखो भैया अपना काम ही गलत चीज़ को बेचना हाँ, क्या फ़ायदा किसी का नुकसान करके, मैं आपसे 2 पैसे कमा लूँगा और क्या हो जाएगा मेरे को, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भैया? बिल्कुल 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 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भैया। कल को आपको अच्छी चीज़ दूंगा ना, आप 2 बंदे और रिकमेंड करोगे और आप पीछे से मुझे गाली नहीं दोगे, इज्जत ही करोगे। जो आप मेरे पास पहुँचे हो ना भैया, वो इज्जत की वजह से पहुँचे हो हाँ, ये फ़र्क हो जाता है। काफ़ी मुश्किल होता है अपने कॉम्पिटिटर को ही रिकमेंड करना जी। बाकी भैया आपने तो काफ़ी सारे कार्ड लगा रखे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे सारे कार्ड। बाकी भैया वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। सो गाइस अगर किसी को भी रिग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन नंबर पड़ा है भैया का, कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को 1-2 दिन में या 3-4 दिन में ही लेनी हो, मेजॉरिटी 1-2 दिन में ही जिसको लेनी हो, पैसे को पैसा समझना हो, बर्बाद हाँ, नहीं करना हो, पैसे को पैसा समझना हो, बर्बाद ना करना हो, वैल्यू फॉर मनी को चीज़ चाहिए, फ्यूचर के हिसाब से चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करो, इस जगह पर आओ, यहाँ पर विजिट करो एंड बैठ के बात करो भैया। चलता हुआ चीज़ देखो उसका क्या आउटपुट निकल रहा है, चलते हुए बात डिसाइड करो। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं भाई, पेशेंस है, और अब समझ लो आपने पैसे बचा लिए, बचाओगे नहीं, बचा लिए आपने। तो थैंक यू भाई वीडियो बनाने के लिए। ओके।